नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉप टेक इन्फॉर्मेशन में। और दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको फिजिट स्पिनर के पीछे की साइंस को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि इसको बेसिकली बनाने का मकसद क्या था और ये समय के साथ इतना पॉपुलर कैसे हो गया, बच्चों में भी और बड़ों में भी। तो दोस्तों, मेरे साथ आज आप इस वीडियो में बने रहिए और मैं आपको इसी के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस टॉय के नाम पे ही जरा ध्यान दीजिए और आपको आधा वीडियो तो यूं ही समझ में आ जाएगा। फिजिट स्पिनर, फिजिट का मतलब होता है जब हम बिना सोचे समझे अपने बॉडी में स्मॉल मूवमेंट्स करते हैं, स्पेशली हाथ और पैर के। कुछ लोग तो नाखून भी चबाते हैं और ये नॉर्मली ऐसा तब होता है जब हम लोग नर्वस होते हैं या फिर यूं ही फ्री खाली बैठे रहते हैं। और स्पिनर का मतलब होता है कि ये टॉय रोटेट करता है, तो इसलिए स्पिनर। अब दोस्तों, क्योंकि हम इन आदतों को बैड हैबिट्स में गिनते हैं, तो इसको खत्म करने के लिए 1993 में, हालांकि वो फिजिट स्पिनर नहीं थे लेकिन उन्हीं के जैसे दिखने वाले डिवाइसेस को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हमारे हैंड्स ऑक्यूपाइड रहे और हम ये फालतू चीजें ना करें। लेकिन दोस्तों, जो अप्रैल 2017 में जो इसके लेटेस्ट डिजाइन आए थे, उससे इसने बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ स्टडीज भी हुई हैं जो कि ये मानती हैं कि जो फिजिट स्पिनर है वो स्ट्रेस को कम करता है और कंसेंट्रेशन बढ़ाता है। लेकिन दोस्तों, हालांकि ये स्कूल में अलाउड नहीं है क्योंकि सारे स्कूल वाले यही मानते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन करता है, और मेरा भी यही मानना है। अब दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है जो लोग फिजिट स्पिनर यूज करते हैं कि जब भी वो खाली बैठे रहते हैं और अगर उनके हाथ में फिजिट स्पिनर ना हो तो उनको बेचैनी होती है और वो लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो ये टॉय जो है उनको एडिक्टेड बना रहा है इसके लिए। प्लस अभी हाल ही में इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे हादसे भी सुने हैं। वो जो चाइनीज सस्ते वाले फिजिट स्पिनर्स होते हैं उनमें लाइट जो जलती है तो उनकी जो बैटरीज है वो बड़ी खराब क्वालिटी की होती हैं, तो उसमें एक्सप्लोजन्स भी हो रहे हैं और लोग इंजर्ड भी हो रहे हैं। प्लस कुछ लोग फिजिट स्पिनर कायदे से चलाते ही नहीं है, कभी आंख में चोट मारते हैं तो कहीं और। तो दोस्तों, बस यही था फिजिट स्पिनर के बारे में, और मेरे हिसाब से तो ये कम्प्लीटली फालतू टॉय है टाइम पास के लिए। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आपके मन में आज के वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं रोज ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। थैंक यू।